मेरे परिवारजनों, नीमच का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। यहां आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बनाया गया था। ये धरती सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है और नीमच के फुटबॉल प्रेम की किस्से तो पूरे देश जानता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला, आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामों निशान मिट रहा है। एमपी में भी दो दशक हुए हैं, ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है। जबकि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है, भाजपा राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर काम कर रही है। जिन क्षेत्रों में, जिन वर्गों को कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, उनको पहली बार भाजपा ने ही राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी दी है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है।